नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 11 का नाम है काल। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। सृष्टि ने कल पाठ पढ़ा था। सृष्टि अब पाठ पढ़ रही है। सृष्टि पाठ पढ़ेगी। यहाँ रंगीन छपे पद क्रिया के अलग अलग समय में होने का बोध करा रहे हैं कि कल पाठ पढ़ा था तो कल की बात हो रही है। पाठ पढ़ रही है मतलब अभी भी वो पाठ पढ़ रही है। पाठ पढ़ेगी मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। व्याकरण में समय का यह बोध काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो, हमें ये पता चल जाए कि कार्य कब हुआ था या कब हो रहा है या कब होगा, उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, वर्तमान काल चल रहा समय, भविष्यत काल आने वाला समय। सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो गया था, मतलब बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हो गया था, उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों का अंत प्राय आ, ई, ए, था, थी, थे, सका, सकी आदि से होता है। जैसे मैंने खाना खाया तो आ गया ना आ। लड़का जाग चुका था, वह गई होगी। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, जहां भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए वहां सामान्य भूत होता है। जैसे विशाल ने लेख लिखा, सीमा विद्यालय गई, बालक ने आम खाए। अब है आसन्न भूतकाल, जहां क्रिया के रूप से लगे कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वहां आसन्न भूत होता है। जैसे मामा जी जा चुके हैं मतलब अभी अभी गए हैं, माता जी सो गई हैं, उसने पत्र लिखा है। पूर्ण भूत, क्रिया का जो रूप यह बताए कि कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो गया था वह पूर्ण भूत होता है। जैसे विपुल कल गया था, कामनी ने पाठ पढ़ लिया था, गाड़ी आ गई थी। फिर है अपूर्ण भूत, क्रिया का वह रूप जिससे यह तो पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु कार्य की समाप्ति के विषय में पता ना चले, अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे वह सो रहा था, अब ये तो पता चल गया कि वह भूतकाल में सो रहा था लेकिन क्या अभी तक सो रहा है या उठा के नहीं, हमें नहीं पता। पक्षी उड़ रहे थे, अब उड़ रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता। बलबीर रो रहा था। फिर है संदिग्ध भूत, जहाँ वाक्य से भूतकाल का बोध हो परंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूत होता है। वैभव बाजार गया होगा, वह सो गया होगा, रोशन कल आया होगा। अब हुआ या नहीं, आया या नहीं, सोया या नहीं, इसका हमें संदेह है, तो ये हुआ संदिग्ध भूत। फिर है हेतु हेतु मद भूत, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे यदि तुमने बुलाया होता तो वह अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो खेत ना सूखते। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। फिर आते हैं वर्तमान काल पर जो अभी चल रहा है। क्रिया का जो रूप यह बताता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा था उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों का अंत है, हैं, हूँ,
हो आदि शब्दों से होता है। जैसे दीदी सो रही है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। फिर है भविष्यत काल, क्रिया का जो रूप कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराए, मतलब अभी कार्य होगा वह भविष्यत काल होता है। जैसे रसोईया खाना बनाएगा, शेखर पुणे जाएगा, डॉक्टर मरीज को दवाई देगा। चलिए यहाँ पर पाठन समाप्त होता है और हम देखते हैं क्या पढ़ा क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं और नाम लिखो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के सभी भेदों के नाम एक एक उदाहरण सहित लिखो। तो बच्चों इस उत्तर को आप पाठ को पुनः पढ़कर स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखो। छवि भजन गाएगी, भविष्यत काल। वे जाग रहे हैं, वर्तमान काल। गाड़ी आ चुकी है, भूतकाल। माली ने फूल तोड़े, आप स्वयं लिखेंगे कौन सा काल है। सूर्य उग रहा है, वर्तमान काल। और ये भी आप स्वयं लिखेंगे कौन सा काल है, बालक खेलेगा। तो बच्चों अब आप पाठ का पाठन दोबारा से करेंगे और आशा करती हूँ कि अब तीनों कालों के बीच में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के बीच में जो भी भिन्नताएं हैं आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।